दो तरपाला दे रही छोटी छोटी, और कुछ नहीं है। अरे तो सिर्फ अंग के कपड़े रह गए हैं, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया। 9 तारीख को बाढ़ आई थी पंडो में, उनको ऐसे ही रेत रात पानी पुनी अंदर घुसा और उनको 1,00,000 रुपए फर रहा था, तुरंत दी गई उनके हाथ में। जब हमारी बारी आई गाँव वालों की, सरकार ने 5,000-5,000 दी तो हम लोगों ने कहाँ से देना सर। अब रहने का कुछ भी नहीं है, मतलब इकट्ठे हुए लोग, पत्रकार मंगाए, कोई ऐसे न्यूज लगवाई, तब दे के 5,000 रुपए हमें दिया। कहाँ रहेंगे हम, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो फॉर्मेलिटी उनसे पूरी नहीं हमारी हो रही। अब सरकार से हम चाहते हैं, सरकार हमारे को कोई मदद करो। द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ मुनीश। सराज विधानसभा क्षेत्र के कुकलाहा गांव के 12 प्रभावित परिवारों का ये आरोप है कि सरकार के द्वारा उन्हें फौरन राहत के नाम पे मात्र 5,000 रुपए दे दिए गए हैं, लेकिन एक माह बीत जाने के बाद भी आज उनके पास ना प्रशासन की तरफ से ना ही सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई मदद दी जा रही है। अब रहने का कुछ भी नहीं है, कहाँ रहेंगे हम, छोटे छोटे बच्चे है। वो बोलते हम क्या रहना अम्मा जी इधर बाहर, कैसे रहेंगे हम बाहर, बोले पूरा दिन दिसया कर, हम बोले कैसे सोएंगे, हम बोले अब तक कुछ नहीं रहा हमको, कहाँ जाएंगे हम। दो तरपाला दे रही छोटी छोटी, और कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं दिया अभी, अभी दिया नहीं कुछ भी। अभी तो हमारे को कुछ नहीं मिला जी। हाँ खाना खुना दे रहे थे, खाना खुना दिया कुछ कल, चावल वगैरह कुछ ऐसा वगैरह दे, दालियाँ वगैरह दे दी, बाकी ने अभी कोई मदद मिली है कुछ भी। फिलहाल कहाँ रह रहे हैं आप? अब टेंट में। अच्छा साढ़ी तो घर गुर रहना पड़े, ठीक है ऐसा है। अब सरकार से हम चाहते हैं, सरकार हमारे को कोई मदद करो। ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि इनके पास आज रहने को कोई स्थान नहीं है। ये जिस परिस्थिति में, दो कपड़ों में जो पहने हुए कपड़े थे उनसे ये घरों से बाहर भागे थे जब क्लाउड बस्ट हुआ था इनके गांव में। ये 12 जो परिवार हैं, इनके सारे के सारे मकान तहस नहस हो गए थे, एक स्कूल भी उसी दौरान बहा था, लेकिन ये उन्हीं दो कपड़ों में यहाँ विस्थापितों की तरह रह रहे हैं। इनके पास तंबू में रहने को ये लोग मजबूर हैं आज की डेट में, कुछ इनके पास स्थान नहीं है कहाँ ये जा सकते हैं। फरियाद हमें 5,000 रुपए मिली जो पंडो में सर बाढ़ आई थी आज से, मतलब जो पहले बाढ़ आई 9 तारीख को बाढ़ आई थी पंडो में, उनको ऐसे ही रेत रात पानी पुनी अंदर घुसा और उनको 1,00,000 रुपए फर रहा था, तुरंत दी गई उनके हाथों में। जब हमारी बारी आई गांव वालों की तो गांव वालों को 5,000-5,000 रुपए वो भी हमें मतलब एक हफ्ते के बाद मिला, जो हमने प्रशासन पर जोर डाला, मतलब इकट्ठे हुए लोग, पत्रकार मंगाए, कोई ऐसे न्यूज लगवाई, तब दे के 5,000 रुपए हमें दिया, अदरवाइज हमें कुछ नहीं दिया गया सर। क्या क्या फॉर्मेलिटीज बता रहे हैं आगे? फॉर्मेलिटी सर अभी जो आगे के लिए हम ले रहे हैं, जैसे फरियाद के लिए मकान के लिए कुछ कर रहे हैं, फॉर्मेलिटियाँ मांग रहे हैं, तो फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं हो रही हमारे से अभी तक। फॉर्मेलिटी इतनी मांग रहे हैं, कभी गाय का टैग लाओ जी, कभी आधार कार्ड लाओ, कभी कुछ बैंक की कॉपी लाओ। सर वो तो सब कुछ बह गया, हमने कहाँ से लानी हो बैंक की कॉपी वगैरह। तो फॉर्मेलिटी उनसे पूरी नहीं हमारी हो रही, प्रधान से लिख के लाओ जी, मलकीत में घर की बादी जगह में घर है, तो अब फॉर्मेलिटियाँ पूरी नहीं हो रही। अब तो सरकार ने 5,000-5,000 दी तो हम लोगों ने कहाँ से देना सर, 5,000-5,000 दिए और नहीं कुछ दिया, सब के लिए दे दिया 5,000-5,000 दिए, जिनके मकान खत्म हो गए उनको दिया 5,000-5,000। सर कहाँ हो जाएगा और मदद होनी चाहिए, कहाँ होगा 5,000 से क्या करना इन लोगों ने सर, खाने के लिए लेना राशन की या अपने बच्चों के लिए की कपड़े लेने, क्या लेना 5,000 से तो कुछ नहीं होगा सर। तो सरकार से मदद ऐसे थी कि इन लोगों को मिलना चाहिए थी कुछ और। और प्रशासन ये बड़े बड़े दावा करता रहा है, सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है कि जो भी प्रभावित परिवार हैं उन्हें 1,20,000 रुपए मुआवजे के तौर पर मिलेंगे, लेकिन इनका कहना है कि इस मुआवजे को लेने के लिए, इस रिलीफ को लेने के लिए इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं जो ये पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनके सारे के सारे कागज मकान के साथ ही या उसमें मलबे में दब गए हैं या बह गए हैं। अरे तो सिर्फ अंग के कपड़े रह गए हैं, बाकी सारा कुछ खत्म हो गया है। यहाँ प्रशासन की ओर से तिरपाल मिला है और कुछ राशन पानी भी मिला है। उस दिन प्रशासन वाले भी आए, मौका मौका करके चले गए, ना कोई फौरी रात दी ना कुछ दी। जब हम लोगों ने कुछ बोला तब जाके 5-6 दिन के बाद हमको सिर्फ 5,000-5,000 रुपये वो फौरी रात के रूप में दिया गया। आज ये सरकार से गुहार कर रहे हैं कि सर्दियां आने वाली हैं, इनके पास ना कंबल है, रजाइयां हैं, ना पहनने को कपड़े हैं, ना घर है, ये चाह रहे हैं कि इनकी समस्या का शीघ्र से शीघ्र समाधान किया जाए। Make sure to drop a like and comment and don't forget to subscribe to the News Radar.